ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आपकी जिंदगी कैसी होगी। सब कुछ एक सेकंड में बदल सकता है और हमारी इस वीडियो के हीरो के साथ यही हुआ। वो बस अभी पैदा हुए हैं और उनकी जिंदगी अभी से बहुत अलग है। एक अमीर है और एक गरीब, पर फिर एक ठीक ने सब बदल दिया। थैंक्स। ये बच्चे पैदा होते ही बदल गए और वो गलत परिवार में चले गए। चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है। रूबी की मॉम को डिलन का ख्याल रखने में और बाकी काम संभालने में परेशानी हो रही है। वो सोने की कोशिश कर रही है अगर उसे खाली वक्त मिले तो, पर अगर आपके पास डिलन जैसा बच्चा हो तो आपको हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है। रूबी एक छोटी कलाकार को बड़ा कर रही है। अब उसकी बिजनेस कॉल और ज्यादा मजेदार हो गई है। वो हर तरह के नए लुक में दिखती है, सब उसके बेटे की वजह से। देखो वो कितना प्यारा है। मम्मी को इतना खूबसूरत किसने बनाया। कैरोलाइन भी बिजी है। जोई को एंटरटेन करना जितना सोचा था उससे काफी मुश्किल है। कैरोलाइन अमीर नहीं है तो उसे अपने बच्चे के लिए टॉयज खुद से बनाने पड़ते हैं। पर उसे कार्डबोर्ड के टॉयज पसंद नहीं है। उसे ये अकेले करने में मुश्किल हो रही है, पर किस्मत से उसके पास छोटे हेल्पर्स हैं। कैरोलाइन को अपने ट्रेंड कॉकरोचेस पर गर्व है। उसने उन्हें खुद ट्रेन किया है। वो झूले को झुला रही है। वो एक असली डिज्नी प्रिंसेस है। जैसे जैसे जोई बड़ा हो रहा है, कैरोलाइन नोटिस कर रही है कि जोई को पैसों से भरा पिगी बैंक ही पसंद है। टॉयज उसे इतना खुश नहीं करते जितना पैसे करते हैं। कैरोलाइन पैसों के उसके इस प्यार को समझ नहीं पा रही। ऐसा लगता है जैसे जोई पैसे से खेलने के लिए ही पैदा हुआ हो। जोई से उल्टा डिलन बिल्कुल भी शरारती नहीं है। वो असल में अपनी मॉम की काम में मदद करने की कोशिश करता है, जो असल में रूबी को परेशान करता है। वो हमेशा उसकी नकल करने की कोशिश करता है और वो अमीरों की जिंदगी जीना सीख रहा है। वो बोलना सीखने से भी पहले घंटी बजा रहा है। वो बहुत जल्दी बड़े हो गए। ऐसा लगता है कि कल की ही बात है जब वो छोटे से बच्चे थे और अब वो थोड़े बड़े हो गए हैं। ये कितना स्वीट है ना। कैरोलाइन अपने बेटे डिलन को बहुत प्यार करती है और वो बहुत प्राउड है कि उसने स्कूल शुरू भी कर दिया। डिलन भी बहुत जल्दी बड़ा हो गया। 7 साल की उम्र में उसे उसकी पहली आउटसाइड इन्वेस्टमेंट मिली। इस सूटकेस में $1 मिलियन है और ये सिर्फ आज के लंच के लिए है। डिलन कभी भूखा नहीं रहेगा। चलो फास्ट फॉरवर्ड करें। ये हॉटी डिलन है। वो किसी चीज से अट्रैक्ट हो गया है या किसी इंसान से। ये खूबसूरत लड़की जेनी है और डिलन सिर से पैर तक उसके प्यार में पड़ गया है। डिलन को बचपन से जो चाहिए वो हमेशा मिल जाता है, तो जब उसने जेनी को देखा उसने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का मन बना लिया। प्यार के पंखों से उड़ते हुए वो लॉकर से टकरा गया और जोई से भी। वो भी पहली नजर में जेनी के प्यार में पड़ गया, या शायद वो पैसों को देखकर चौंक गया। ये असली जंग की शुरुआत है। ओह कितनी रोमांटिक स्टोरी है। जरा डिलन को देखो, जोई भी अपने होश खो बैठा है। वो बस जेनी के बारे में सोच रहा है और उसने एक प्लान बनाया। उसे एक खूबसूरत बुके चाहिए, उसे ये बहुत पसंद आएगा। पर तुम्हें बुके खरीदने के लिए पैसे चाहिए और जोई के पास बिल्कुल नहीं है। कभी कभी लगता है कि उसका परिवार श्रापित है, उनके पास कभी पैसे नहीं होते। पर उसे हार ना मानना सिखाया गया है। कैरोलाइन कॉकरोचेस को ट्रेन कर सकती है तो जोई भी अपने सपने पूरे कर सकता है। बस उसे जेनी को इम्प्रेस करने का एक रास्ता ढूंढना है और ये आसान नहीं होने वाला। लड़की को इम्प्रेस करना आसान बिल्कुल नहीं होता, चाहे तुम बहुत गरीब हो या बहुत ज्यादा अमीर। कभी ना कभी तुम्हें परेशानी होगी, पर तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता मिल ही जाएगा। डिलन के पास बहुत पैसे हैं, पर उसके पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है और जोई को भी यही लगता है। दोनों
दोनों हद से आगे बढ़ गए हैं, पर वो हार नहीं मानना चाहते। उनकी लड़ाई अभी बस शुरू ही हुई है। वक्त बर्बाद नहीं कर सकते, हर चीज गेम पलट सकती है। डिलन ऐसे कपड़े ढूंढ रहा है जो जेनी को इम्प्रेस कर पाए, कुछ ऐसा जिससे वो हॉट लगे और ट्रेंडी। रैपर लिल ड्रिक की तरह हर कोई उसे पसंद करता है, तो डिलन को उसकी तरह कपड़े पहनने होंगे। और डिलन कुछ भी खरीद सकता है, तो उसने लील ट्रिक के सबसे नई म्यूजिक वीडियो में से उसके कपड़े ले लिए। रैपर को अपना करियर सेक्रिफाइस करना पड़ा ताकि डिलन जेनी को इम्प्रेस कर पाए। वो कितना अच्छा है। जोई को भी तैयारी करनी है, पर उसे अपनी मॉम के सपोर्ट से ही काम चलाना पड़ेगा। ये कीमती है, पर वो इसे अभी इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके पास उसके दादाजी की चीजें भी है, जो उनके भी दादाजी की है, जिन्हें ये फैक्ट्री के मालिक से मिली थी जो सूट्स बनाते थे। ये वाला डिफेक्टिव है, पर ये कुछ ना होने से तो अच्छा ही है। अब दोनों तैयार हैं। ये जेनी के प्यार के लिए बहुत बुरी लड़ाई होने वाली है। उसे आज से पहले इतनी अटेंशन कभी नहीं मिली थी। ये दोनों जाबाज योद्धा उसके दिल पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई भी हार नहीं मान रहा है। पर लड़के थोड़ी जल्दी कर रहे हैं और जेनी को डर लग रहा है। उसके लिए बहुत लड़ाई हो रही है। अगर तुम अपने सच्चे प्यार के लिए लड़ते रहना चाहते हो, तो तुम्हें फिट और ताकतवर रहना होगा। पर डिलन जेनी के पीछे पागल है, और कोई भी चीज उसे गुस्सा दिला सकती है, यहाँ तक कि चीज भी जो जेनी का नाम खराब कर रही है, जो उसने केचप से लिखा था। जो ही खाने के बारे में सोचना चाहता है, पर सोचने के लिए कुछ है ही नहीं। उसका परिवार एक महीने में स्पगेटी का एक ही पैक खरीद सकता है, और उन्हें कॉकरोचेस को भी खिलाना होता है। हर कोई डिलन जैसा बनना चाहता है। उसके पास अच्छा घर है, बहुत सारा खाना है, बहुत सारी वीडियो गेम्स है, और एक बड़ा टीवी भी है। डिलन को वो पसंद है, और जोई को भी। वो बस खिड़की से डिलन को खेलते हुए देख सकता है, पर वो हमेशा इसे एंजॉय नहीं कर पाता। कभी कभी रूबी घर जल्दी आ जाती है और न्यूज देखती है। फिर जोई के साथ में उसकी मॉम आ जाती है। उन्हें टीवी देखने का सिर्फ यही मौका मिलता है। जोई को खुद पर गर्व है कि वो अपना पहला लैपटॉप खरीदने तक के पैसे बचा पाया, पर डिलन ने सब बिगाड़ दिया। जोई का पुराना लैपटॉप डिलन के नए लैपटॉप के ढेर से मुकाबला नहीं कर सकता। वो इतना अमीर है कि उसके पास हर सब्जेक्ट के लिए एक लैपटॉप है, और वो बहुत तेज है। जोई का पुराना कबाड़ उसके मुकाबले कुछ नहीं कर पाता। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, पर उसने ये कल ही खरीदा था। पर पैसों का मतलब खुशी नहीं, चाहे वो बहुत अमीर हो। डिलन बहुत ज्यादा उदास होता है। रूबी बहुत बिजी है और उस पर ध्यान नहीं दे पाती। डिलन बार बार बारिश करता रहता है, क्योंकि आंसू छुपाने के लिए बारिश एकदम सही है। कभी कभी खुशियों के लिए बहुत मेहनत लगती है। तुम्हें जो चाहिए उसके लिए लड़ना पड़ता है। डिलन और जोई उसे पाने के लिए कुछ भी करेंगे। कोई नहीं जानता कि अगर प्रिंसिपल यहाँ ना आई होती तो क्या हो सकता था। दोनों मुसीबत में हैं। प्रिंसिपल ने उनके पेरेंट्स को बुला लिया ताकि यहाँ थोड़ा डिसिप्लिन लाया जा सके। मामला सीरियस है। पर प्रिंसिपल मोनिका ने कुछ ऐसा नोटिस किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें लग रहा है कि उनके बेटे उनकी मॉम्स जैसे नहीं लग रहे। शायद वो बदल गए हैं। जोई रूबी का बेटा लग रहा है, और डिलन कैरोलाइन का। मोनिका यह अनदेखा नहीं कर सकती, और वो किसी और चीज के बारे में सोच नहीं सकती। ये एक बुरे सपने जैसा है। ये जोई का आज तक का सबसे डरावना सपना है। वो गरीब हो सकता था। ये जोई के लिए क्रेजी एक्सपीरियंस था। वो ये सपना कभी भूल नहीं पाएगा। इसके बाद हमारी बेबी फैक्ट्री वाली वीडियो देखें।
क्या ये बच्चे भी बदल गए हैं? खैर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्रूम ट्रूम ट्रिक पर फिर मिलेंगे।